है ना हालिया। आप कौन हो? गर सिंगल। बता दो ना इनको, नहीं पता है ना। गर सिंगल। अच्छा, कुछ पढ़ाई मतलब कौन से क्लास में पढ़ते हो? कुछ पढ़ते वढ़ते हो कौन से क्लास में? क्लास KG 2। KG 2? ओके, KG 2। अच्छा, अब पूरे अंदर क्यों घुस जा रहे हो फोन के? आप नहीं तो बोले बता दो। तो अंदर घुस गए। तो मॉर्निंग का टाइम है अभी एंड चिकू रेडी हो गया है और अभी उसके ऑनलाइन क्लासेस रहती है, बट अभी उस ऑनलाइन क्लासेस का ही टाइम है, बट अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, पीरियोडिक असेसमेंट जो रहता है, फर्स्ट असेसमेंट है ये। तो पढ़ाई तो कुछ करता नहीं है, वो इधर उधर खेलने में जा रहा है टाइम। और भी तो ऑनलाइन में ऐसा ही है, बहुत हार्ड एंड फास्ट होता भी नहीं है कुछ पढ़ाई एंड एग्ज़ाम भी। तो और बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो चिकू तो कर लेता है ऐसे ही। तो अभी बस रेडी हुआ है एंड अभी उसके एग्ज़ाम है तो करने बैठेगा। जो जो चीज़ें चाहिए मैंने निकाल ली है, उसके टीचर ने बोला है कि ये मटेरियल्स निकाल के रखो, वर्कशीट वगैरह, एंड क्या आएगा क्या है क्वेश्चन वो सब कुछ नहीं पता, बट थोड़े बहुत मैथ्स एंड इंग्लिश का निकालने बोला है मैम ने, तो बस मैंने निकाल के रखा है। और नाश्ता वाश्ता हो गया हम लोग का, चीनी की भी ऑनलाइन क्लास चल रही है, वो भी बैठी है क्लास करने के लिए, तो चीनी तो खुद से कर लेती है। चीको खेलने में बिजी है, देखो एक ट्रे पकड़ा है वो एंड अपने जितने भी व्हीकल्स हैं टूटे फूटे जैसे भी हैं सबको लेके बैठा हुआ है। हेलो गाइस, मैंने आप लोग से कल बात करी थी तो मैंने एक छोटी सी क्लिप डाली थी जिसमें बताया था कि मैं बाहर जा रही हूँ। ऐसे हम लोग मार्केट साइड गए थे, मेरे हस्बैंड के साथ गई थी मैं एंड टू व्हीलर में ही गए थे क्योंकि बच्चे तो जा रहे नहीं थे साथ में, तो कार लेके नहीं गए हम लोग, बाइक में गए थे। तो थोड़े बहुत सामान लेके आना था मुझे, पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि बिग बाज़ार चले जाएंगे, बट मेरे हस्बैंड को फिर मार्केट साइड काम था, कुछ काम से जा रहे थे वो सिटी तरफ, तो फिर हम लोग सोचे कि साथ में चले जाते हैं, मैंने सोचा एंड सामान जो भी चाहिए लेकर आ गए हम लोग। एंड हो सकता है आज बिग बाज़ार जाएं क्योंकि एक दो सामान और रह गया है, लेट हो रहा था काफ़ी, तो हम लोग जो जो ज़रूरी चीज़ें वो लेकर आ गए एंड थोड़े बहुत एक दो चीज़ें और हैं वो आज जाएँगे मॉल, हो सकता है जा सकते हैं तो फिर ले आएंगे। तो बस नॉर्मल सी चीज़ें हैं, मैंने ये कॉम्ब लाया चीनी के लिए, वुडन कॉम्ब है एंड मेड इन चाइना है ये, शायद चाइनीज़ चीज़ें तो हमको अवॉइड करनी चाहिए, बॉयकॉट करनी चाहिए, बट मैंने देखा नहीं था इसे, बस वुडन कॉम मैंने ले आया। एंड चीनी का भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बिल्कुल मेरी तरह हो रहा है हेयर फॉल, तो मैंने सोचा कि चेंज करके देखते हैं कॉम्ब उसका। एंड वुडन कॉम्ब बहुत अच्छा रहता है, हर कोई सजेस्ट करता है वुडन कॉम्ब यूज़ करने के लिए, तो फिर इसलिए मैंने वुडन कॉम्ब ले आया एक, एंड एक वाइड कॉम्ब लाया है थी मेरे पास, बट एक और ले आया मैंने। एंड नॉर्मल सी चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ मेरे स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स, थोड़े बहुत हिमालय का फेस वॉश मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे कॉलेज टाइम से यूज़ करते हुए हो गया इसे, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। एंड ये हिमालय का शैम्पू बच्चों का, बेबी शैम्पू एंड डव सोप बच्चों के लिए, तो ये बड़ा वाला पैक ले लिया हम लोगों ने, 3 का कॉम्बो। एंड नॉर्मल कोकोनट ऑयल, ये भी बड़ा वाला पैक ले लिया क्योंकि ऑयल तो यूज़ होता ही है। एंड ये टूथपेस्ट, ये भी ख़त्म हो गया था, तो बस यही चीज़ें हैं। एंड मैं कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करती हूँ, ओकेजनली यूज़ करती हूँ, लाइक रेगुलर तो मैं स्पेक्स भी पहनती हूँ, बट किसी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी गेट पार्टीज़ में जा रहे हैं तो मैं स्पेक्स नहीं पहनती, थोड़ा सा और लगता है मुझे, तो मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेस पहले मेरे पास थे बट वो अभी एक्सपायरी हो गया क्योंकि मैं मंथली डिस्पोजल वाला लेती हूँ, तो ये अभी बॉस एंड नॉम का लिया है, ये यूज़ करती हूँ मैं, काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तो ये मंथली वाला लिया है मैंने, पैक 2 पैक लिया है। एंड ये मुझे 6 अराउंड 700 पड़ा है,
एंड इसमें थ्री लेंसेस रहती है, तो ये दोनों पैक अगर आप मिलाओगे तो थ्री पेयर ऑफ कॉन्टेक्ट लेंसेस बन जाती है, जो 3 मंथ्स के लिए चल सकते हैं। बट मैं लाइक कंटिन्यूसली उसको ओपन करके यूज़ नहीं करती, एक बार ओपन कर ले लाइक अगर जैसे अभी दिवाली आने वाली, फेस्टिवल आने वाले हैं या फिर कोई बड़ी पार्टी वार्टी है, तो फिर उस टाइम मैं एक लेंस अपना ओपन कर लेती हूँ एंड 1 मंथ तक उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यही है, अब देखते हैं किसी ओकेज़न पे यूज़ करूँगी मैं इसे, अभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि घर पे रहने से तो मैं स्पेक्स ही पहन लेती हूँ। और एक चीज़ है, एक प्रोडक्ट हम लोगों ने ऑनलाइन मंगाया, चीकू के शूज़ है वो, तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको, फ्लिपकार्ट से मंगाया था। सो, ये है, ऐसे बॉक्स में आया था, थोड़ा सा डस्ट हो रखा है इसमें पता नहीं क्यों, ये तो ऊपर से कार्डबोर्ड के बॉक्स में पैक था बट इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है पता नहीं किस लिए। एंड फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने कर दिया था, बच्चों के मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट्स रहते हैं मेरे हस्बैंड ही ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, एंड मोस्टली फ्लिपकार्ट से मेरे हस्बैंड ही ऑर्डर करते हैं, बाकी मिंत्रा अमेज़ॉन के ये सब चीज़ें मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, बट फ्लिपकार्ट से मेरे हस्बैंड ऑर्डर करते हैं एंड आजियो से भी। तो ये है फ्लिपकार्ट से, एंड ऐसा एक बॉक्स में आया है ये, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स था, देन उसके अंदर ये बॉक्स था एक, एंड उसमें ये है शूज़, नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ टाइप का है, देखने में इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी लग रही है बट ट्राई कराया था मैंने चीकू को, तो अगर होगी मेरे पास क्लिप तो मैं इंसर्ट कर दूँगी कि पहनने पे कैसे लग रहा था। एंड बहुत ही लाइट वेट है ये, एकदम ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं हाथ में, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, इसकी साइज़ इतनी बड़ी लग रही है एंड देखने में बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है ये, बट बहुत लाइट वेट है, तो बच्चों के लिए ऐसी लाइट वेट जो चीज़ें रहती है वही यूज़ करनी चाहिए। एंड इसमें ब्रांड लिखा हुआ है मिस एंड चिफ, इसमें मेंशन है, एंड इसकी प्राइस अबाउट 2000 रुपीज़ थी बट डिस्काउंट में ये 350 की पड़ी है, तो ठीक है, ये एक पेयर ऑफ शूज़, एंड पिक्चर डाल दूंगी मैं कि कैसा लग रहा है देखने में। उसके शूज़ जो है लास्ट टाइम आजियो से मंगाया था मेरे हस्बैंड ने, बट बहुत अच्छी शूज़ थी वो, बट अभी थोड़ी सी उसे टाइट हो रही है, लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया एक पार्टी में हम लोग गए थे तो काफ़ी दिन से अभी बाहर जाना तो हो रहा नहीं था, तो शूज़ पहनने का उसका कुछ काम नहीं पड़ रहा था, तो अभी वो काफ़ी दिन बाद जब हम पार्टी में गए एंड वो वाला शूज़ मैं पहना रही थी चीकू को, तो बिल्कुल उसके पैर में फिट नहीं हो रहा था, बहुत टाइट हो रहा था, तो फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि छोटा हो गया है वो वाला शूज़, तो उसके लिए नए शूज़ लेने पड़ेंगे। तो एक स्लीपर हम लोग लोकल मार्केट से एक लेकर आए स्लीपर, एंड एक ये शूज़ हो गया, और देखते हैं आज अगर मॉल जाएंगे तो एक और लाएंगे, नहीं तो इतना इनफ है, हम लोग एक ही पेयर ऑफ शूज़ लेते हैं बच्चों के लिए क्योंकि कहीं बाहर तो जाना है नहीं अभी, एंड घर पे रखे रखे छोटा हो जाता है एंड ग्रोइंग एज है बच्चों की, तो बहुत लिमिटेड लेते हैं हम लोग, अगर कहीं कुछ ओकेज़न रहे, पार्टी वगैरह अगर कुछ रहे तो फिर हम लोग लेकर आ जाएंगे कोई प्रॉपर शूज़ उसके लिए, बट अभी के लिए ये ठीक है। तो बस यही था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चीकू के अभी एग्ज़ाम्स चल रही है, तो सिर्फ 3 डेज़ हैं उसके एग्ज़ाम, सब पेपर्स मिक्स करके होते हैं लाइक मैथ्स इंग्लिश एंड हिंदी, सब पेपर्स साइमल्टेनियसली पूछती है मैम, तो अभी जस्ट उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए, लाइक अभी फिनिश हुआ एक पेपर उसका, तो अभी मैं ये दिखाने के लिए आपको बैठी थी शूट करने के लिए, तो उसके टीचर वो लाइक रीडिंग एंड ओरल भी बहुत ज़्यादा था एंड राइटिंग वाले भी थे उसके पेपर में, तो उसको जब रीड करने के लिए दिया मैम ने तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई क्योंकि बहुत फ्लुएंटली एंड एकदम ईजीली पढ़ ले रहा था वो, बहुत ईज के साथ पढ़ रहा था वो, तो उसकी मैम बहुत हैप्पी हो गई एंड उसको 2 स्टार्स भी दिया मैम ने। सो बस यही है एक अपडेट, और अभी चीकू रेडी तो हो ही गया था पहले एंड एग्ज़ाम हो गए उसके ओवर, तो अभी वो खाने के लिए गया है, मैंने पराठा एक बना के सुबह रख दिया था एक्स्ट्रा, तो एक पराठा वो खा रहा है अभी, और बस आएगा तो उसका कॉम वगैरह करूँगी, एंड मैंने भी अपना कॉम वगैरह नहीं किया है एंड चीनी तो ना ही भी नहीं है, उसकी क्लासेस चल रही है, तो अबाउट 10 मिनट्स में उसके क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर चीनी आएगी उसका, वो नहाएगी एंड फिर कॉम करूँगी मैं उसका, एंड बस फिर लंच का टाइम हो जाएगा, चले जाऊँगी मैं लंच प्रिपेयर करने, एंड मैं देखती हूँ लंच में कुछ डिफरेंट बनाने वाली हूँ आज मैं, जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको,
लोटस का जो फ्लावर रहता है उसका स्टेम रहता है ना, कमल ककड़ी बोलते हैं, यस कमल ककड़ी ही बोलते हैं उसे, तो वो स्टेम की सब्जी बनाने वाली हूँ मैं। कल हम लोग गए थे मार्केट, तो वहाँ से हम लोग वेजिटेबल मार्केट भी गए थे, तो काफ़ी सब्जियाँ लेकर आए, हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था, इसीलिए हम लोग गए थे 5 के अराउंड एंड आए तो वापस 7 बज रहा था। काफ़ी दूर भी है क्योंकि हम लोग का घर थोड़ा सा आउटर में पड़ता है एंड हम लोग को सिटी में जाके काम था मार्केट में मेरे हस्बैंड को, तो पहले उन्होंने अपना काम किया, देन मेरे को ये जो थोड़े बहुत शैम्पू वगैरह ये सब लेना था ये लिया मैंने एंड उसके बाद सब्जियाँ लिए हम लोगों ने और बस आए घर, तो 7 बज गया एंड बस रामायण का पाठ किया हम लोगों ने एंड उस एंड समोसा ले आया था जैसे कि मैंने दिखाया था आपको छोटी सी क्लिप, तो हम लोगों ने एक एक दो दो पीस जो भी था समोसा खाया एंड रामायण का पाठ किया और उसके बाद डिनर का टाइम हो रहा था तो काफ़ी हैवी खा लिए थे सब लोगों ने समोसा एंड आलू बूंदा, तो फिर बहुत लाइट खाने की लाइक हैवी खाने की इच्छा नहीं थी किसी की भी, तो काफ़ी लाइट बनाया था मैंने एंड अगेन पोहा बनाया था मैंने, तो बस पोहा खाया सबने एंड देन KVC देखा एंड फिर सो गए ऐसे ही, और थोड़ा सा वॉक किया हम लोग बस बाहर जाके, मेरे हस्बैंड तो अच्छी खासी वॉक कर लेते हैं हाफ एन आवर के लिए, बस मैं जस्ट 10 मिनट्स के लिए थोड़ा बहुत टहली और फिर आके बस बच्चों को सुलाया, यही जो एक नॉर्मल रूटीन रहता है मेरा। अभी जाऊँगी लंच प्रिपेयर करूँगी, ये आया चीकू, चीकू रोटी खाए बेटा? यस, और क्या किया? बस रोटी खाया, बस रोटी खा लिया? अभी क्या करोगे? बदमाशी? ड्राइंग अच्छा ठीक है, चलो फिर बात करती हूँ मैं। सो गाइस, ये है एक प्रोडक्ट, डेजलर नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स लिखा है ये, तो नेल पॉलिश रिमूव करने का है ये एंड वाइप्स जो रहती है वो है, तो इसे मैंने अपने मायके से लोकल मार्केट से लिया था। देखिए आप मेरी नेल्स कितनी गंदी लग रही है, मैंने दूसरा एक नेल पॉलिश लगा लिया था बट वो भी निकलने के कंडीशन में है, तो अभी बस इसे रिमूव कर रही हूँ मैं एंड बहुत अफोर्डेबल है ये, 60 रुपीज़ का है एंड 30 वाइप्स है इसमें, तो एक वाइप आपको 2 रुपीज़ का पड़ा, तो अफोर्डेबल है ये बहुत एंड ऐसा है देखिए, इसके अंदर ये एक बॉक्स है एंड इसको ओपन करेंगे तो फिर एक लीड है एंड देन वाइप्स हैं एंड इसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है फ्रेगरेंस बट ठीक है। सो एक वाइप ले लिया मैंने एंड बस इसे रिमूव करूँगी एंड काफ़ी अच्छा है ये, एक बार पहले भी यूज़ किया था मैंने, तो क्या बोल रही थी मैं, यस चीनी की स्कूल में डांस इवेंट था एक, तो उसमें फोक डांस करना था बेसिकली, तो चीनी ने लावनी किया था जो मैंने शेयर किया था आप लोगों से, लावनी किया था एंड उसका कॉस्ट्यूम नौवारी साड़ी जो रहती है वो एंड मेकअप एंड हेयर स्टाइल महाराष्ट्रियन टिपिकल जो रहता है, बन हेयर स्टाइल एंड मेकअप भी सिंपल सा, लाइक बच्चों के हिसाब से सिंपल ही था, तो वो शेयर किया था मैंने आपसे, तो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा वो वाला वीडियो एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया उसमें, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और तो बस मैं वही बता रही थी कि वो वीडियो जो था तो चीनी के स्कूल का इवेंट का था वो, तो चीनी को उसमें लाइक अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट मिला है, बट मैंने उसके टीचर से पूछा कि ये सब बच्चों को मिला है क्या, क्योंकि अराउंड 100 बच्चों ने परफॉर्म किया होगा, तो उसके टीचर ने बोला कि सिर्फ 6 बच्चों को मिला है एंड उसमें ऋषिका का भी था, मेरी बेटी का भी, तो ये एक अचीवमेंट है इसलिए मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। और बहुत ही ईजी एंड अच्छा डांस किया था चीनी ने, उसका कॉस्ट्यूम वगैरह सब काफ़ी अच्छा था एंड मैंने बहुत जुगाड़ करके उसे उसका कॉस्ट्यूम एंड मेकअप एंड लाइक जो पूरा होल गेटअप था वो रेडी किया था, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। तो भैया एंड उसके स्कूल में एक हिंदी, यस हिंदी दिवस के लिए एक इवेंट हुआ था, बट फिर मैंने उसके टीचर से पूछा तो उसके टीचर ने बोला कि वो सिर्फ एक एक्टिविटी थी, लाइक वो कंपटीशन नहीं था, तो फिर उसमें कोई प्राइज वगैरह नहीं है, सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, बट चीनी ने उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था
तो वो भी मैं शेयर करूँगी आगे आप लोग से बाद में किसी नेक्स्ट वीडियो में कि हिंदी दिवस में उसने कैसा किया था। और तो बस ये शेयर करना था मुझे। एंड देखिए आप, ये नेल पॉलिश रिमूव हो गई है, बहुत अच्छा वाइप है ये, एक ही वाइप में हो गया काम। तो लोकल मार्केट से लिया था मैंने, इसलिए इसका लिंक वगैरह कुछ दे नहीं पाऊँगी, बट अगर आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका नाम डेजलर लिखा हुआ है कुछ, एंड आपने देखा होगा मैं नेल पॉलिश वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि फिर वो निकल जाता है तो बहुत गंदा लगता है, एंड नेल्स को थोड़ा सा ब्रीथ करना चाहिए, तो मैं उसे ऐसे ही बेयर रहने देती हूँ। बट मैंने जैसे बताया लास्ट टाइम एक पार्टी में मैं गई थी, तो इसलिए मैंने लगा लिया था नेल पॉलिश। सो अभी वो निकलने की कंडीशन में था, इसलिए मैं उसे रिमूव कर रही हूँ। और मेरे नेल्स भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं, इसलिए भी नहीं लगाती मैं नेल पॉलिश। सो हो गया ये डन। सो मेरे मॉर्निंग के सब काम हो गए थे, उसके बाद भी मेरे पास टाइम बचा हुआ था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। तो फिर कपड़े बहुत ही इकट्ठे हो गए थे मेरे हस्बैंड के, तो फिर मैं प्रेस करने बैठ गई कपड़ों को, थोड़ा देर मैंने किया, एंड फिर बात करती हूँ आपसे। टी शर्ट से कर रही हूँ मोस्टली मैं अभी। हेलो, जैसे कि आपने देखा मैं प्रेस करने के लिए बैठी थी कपड़ों को, मेरे हस्बैंड के कपड़ों को। तो अभी बीच में मुझे बंद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है। सो बस मैं अभी जितना मेरे को टाइम मिला मैंने किया है आधा, एंड आधा छोड़ दिया बाद में करने के लिए। देखती हूँ आफ्टरनून में, इवनिंग में करूँगी तो, या फिर कल करूँगी। सो ये हैं 6 शर्ट्स एंड टी शर्ट्स जो मैंने किए हैं अभी प्रेस, एंड ये 3 तो ट्राउज़र्स हैं, 3-पीस ट्राउज़र, जिसे लाइट नहीं आ रही है। यस, सो 3-पीस ट्राउज़र बचे हुए हैं, तो उसे मैं बाद में करूँगी इवनिंग में। और इससे पहले भी मैंने किया था प्रेस कपड़ों को कल या परसों, ऑलमोस्ट 12 टी शर्ट्स एंड शर्ट्स में किया था मैंने। एंड इतने सारे कपड़े इसलिए कभी इकट्ठा हो गए, क्योंकि मैं मायके जब चले गई थी तो सारे कपड़े रखे हुए थे उनके, एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी 15-20 दिन हो गया है मुझे आए को, एंड सब काम मैं एक एक करके निपटा रही हूँ, लाइक क्लीनिंग, डस्टिंग, जो भी सब चीज़ ऑर्गेनाइज कर रही हूँ अभी। तो अभी बारी थी हस्बैंड के कपड़ों को प्रेस करने की, तो ये भी पूरा डन हो गया। सिर्फ ये 3 ठो ट्राउज़र्स जो है, पैंट, वो बचे हुए हैं, तो इसे मैं देखती हूँ इवनिंग में करके ये काम भी निपटा लूँगी। सो बस ये हाउसवाइफ की ड्यूटी। एंड अभी भी ये हो जाता मैं कर लेती, टाइम था मेरे पास, बट लंच का टाइम हो रहा था, तो फिर लंच में लेट हो जाता, फिर मुझे बहुत हड़बड़ी करके करनी पड़ती, इसलिए मैं बंद में बीच में अभी मैं इसे बंद कर रही हूँ प्रेस करना। जा रही हूँ लंच प्रिपेयर करके आके खिला के, आफ्टरनून में जब मैं फ्री होंगी तब करके रख दूँगी इसे भी। सो जाते हैं लंच प्रिपेयर करने। सो मैं लंच प्रिपेयर करने के लिए किचन में आ गई। तो ये है कमल ककड़ी, जो है छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई, एंड इसे एक सीटी जो प्रेशर कुकर है उसमें, प्रेशर कुकर में एक सीटी बॉईल कर लिया, एक सीटी लगा के। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, नहीं तो फिर टूट जाता है वो। और बस इसे फिर मैंने स्ट्रेनर्स में मैं निकाल लिया, और बहुत गंदगी रहती है, अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। एंड अभी सब्जी के लिए मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, आज तो मैं नॉर्मल ऑयल ले रही हूँ, नहीं तो मोस्टली मैं मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, बट आज मैंने राइस ब्रांड ऑयल लिया था। एंड इसमें मैंने 2 आलू भी डाल दिए कट करके, क्योंकि मुझे ऐसे लग रही थी कम हो जाएगी सब्ज़ी थोड़ी सी, क्योंकि मैं ड्राई ग्रेवी बनाने वाली हूँ, ज़्यादा ग्रेवी नहीं बना रही, थोड़ी थिक ग्रेवी बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने आलू भी डाल दिया था, आलू को नॉर्मल कट करके डाल दिया। एंड अभी इसे मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई करने टाइप, लाइक थोड़ा सा सेक रही हूँ, एकदम फ्राई नहीं कर रही, थोड़ा सा सेक रही हूँ मैं सिर्फ इसे। नीचे हल्की सी चिपक रही है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा कम डाला है ऑयल, आप चाहें तो अधिक ऑयल डाल के प्रॉपर उसे फ्राई कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा कम ऑयल यूज़ करती हूँ इसलिए मैंने कम डाला था। और ये चीनी भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, उसने पूछा मम्मा कुछ हेल्प चाहिए, तो फिर मैंने बोला टमाटर लेकर आ जाओ, वहाँ पे फ्रिज में रखा है, बाहर है हम लोग का, किचन में नहीं है फ्रिज। तो फिर चीनी ने मुझे ला के दिया 4 टमाटर, एंड
देखिए वो आपको है बोल रही है, तो चीनी ने भी मेरी हेल्प कर रही थी। और ये मैं अनियन सॉरी गार्लिक अदरक एंड चार पांच हरी मिर्च ले लिया, तो इसे मैं अलग से ग्राइंड करके डालूंगी। आप चाहे तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बट मैं ये सब चीज़ों को अलग से ग्राइंड कर रही हूँ। एंड अनियन अलग डालूंगी एंड टमाटो अलग डालूंगी। तो पहले ये सब चीज़ों को मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। एंड उसके बाद अनियन लिया है मैंने चार पीस, अनियन थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। एंड उसे मैं चॉप कर लूँगी एकदम बारीक, अगेन ये वाले चॉपर में। तो ये तो बेस्ट चॉपर है, आपको ज़रूर लेना चाहिए, मेरी लाइफ सेविंग है ये, मेरा बहुत टाइम बचाती है एंड एनर्जी भी बचाती है, तो मैं तो दिन भर यूज़ करती हूँ इसे। एंड आप देख सकते हैं पैन में दूसरी तरफ वो सीख रहा है कमल ककड़ी जो रहता है वो, एंड दूसरे पैन में मैं ग्रेवी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है जैसे कि आप देख सकते हैं। पहले तो उसे सिर्फ थोड़ा सा फ्राई करना था इसलिए मैंने नॉर्मल ऑयल लिया, बट अभी मैं इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ ग्रेवी को। एंड मैंने थोड़ा सा सरसों के दाने एंड जीरा डाल दिया साबुत, एंड उसके बाद हरी मिर्च अदरक एंड लहसुन को जो ग्राइंड किया था वो डाल दिया। हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा लिया था मैंने चार पांच पीस, क्योंकि थोड़ा सा तीखा चटपटा टाइप की बना रही हूँ सब्ज़ी। मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूँगी, इसे स्किप कर दूँगी। और अनियन मैंने एकदम बारीक चॉप कर लिया था तो उसे अभी डाल रही हूँ इसमें, जब गार्लिक थोड़ा सा सीख गया था तब। एंड उसके बाद चार टमाटर ही लिया मैंने जो चीनी ने मुझे ला के दिया था, तो उसे मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ, उसकी मैं प्यूरी बना लूँगी। तब तक के अनियन को एकदम अच्छी तरह से सेक लेना है। देखिए आप, मैं एकदम डार्क ब्राउन होने तक सेकती हूँ। एंड अभी ये सीख गया है अच्छे से, तो फिर मैं ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। मेरी मदर इन लॉ आपको पीछे दिखे होंगे, वो पानी पीने के लिए आए थे एक्चुअली। तो मैं ड्राई मसाले में 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड ये कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून। तो इससे तीखा नहीं होगा बट कलर अच्छा आएगा। एंड तीखे के लिए मैंने चार पांच हरी मिर्च यूज़ कर लिया था इसलिए मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता। एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग कसूरी मेथी। तो आप ये देख सकते हैं उसका पैकेट ख़त्म होने में आ गया है, तो जो बचा खुचा था थोड़ा सा वो मैं डाल रही हूँ इसमें। एंड अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगी एंड थोड़ा सा और सेकूँगी उसको जो ड्राई मसाले हैं 1 सेकेंड लाइक 1 मिनट के लिए। एंड उसके बाद जो टोमेटो प्यूरी है वो ऐड करना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है मसालों को, इसलिए मैं अभी टमाटो प्यूरी जो है वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट बहुत टेस्टी लग रही थी वाली सब्ज़ी, आप ट्राई करना, बहुत इजी है एंड बहुत स्पाइसी चटपटा टाइप का बना था, सबको बहुत पसंद आया था, मेरे फादर इन लॉ को बहुत पसंद आया था। सो मैंने टमाटो प्यूरी डाल के कवर करके उसे 5 to 10 मिनट्स के लिए ढक के पकने के लिए रख दिया है। तब तक मैं अपने बाकी काम कर रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं सामने बहुत मैस पड़ा हुआ है, तो मैं सब क्लीन करके रख रही हूँ एक साथ, सब मिक्सी के जार एंड चॉपर जो है वो सब चीज़ों को क्लीन करके रख रही हूँ एक साथ। एंड किचन का जो शेल्फ है प्लेटफॉर्म वो भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो सब बर्तनों को अपने प्लेस पे रख रही हूँ। एंड दूसरे साइड मैंने इंडक्शन में राइस रख दिया है बनने के लिए, तो बस लंच प्रिपेयर हो रहा है साथ के साथ, मेरे अपने काम भी होते जा रहे हैं। एंड ये वाली सब्ज़ी थोड़ी ड्राई बनी थी, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसकी थिकनेस, बट ड्राई बहुत टेस्टी लग रही थी। तो देखिए ये अच्छी तरह से ग्रेवी सीख गई है, तो अभी मैं इसमें 1/2 कटोरी फ्रेश क्रीम डाल दूँगी एंड 1/2 कटोरी फ्रेश कर्ड डाल दूँगी, तो मस्त वाली ग्रेवी बन जाएगी, बहुत टेस्टी। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने थिक ग्रेवी बनाई थी, तो इसलिए मैं अब ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर रही, आप चाहें तो थोड़ा पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ 1/2 कटोरी या 1 कटोरी जैसा ही बस पानी यूज़ किया था। एंड अच्छी तरह से उसे मिक्स करके बॉयल एक ले आना है। एंड आफ्टर दैट जो कमल ककड़ी है बॉयल की हुई एंड रोस्ट की हुई, तो उसे ऐड करना है एंड कवर करके 5 मिनट अब ढक के पका लें। एंड उसके बाद एक बार और उसे मिक्स दें, एक स्टेयर कर लें एक बार, एंड उसके बाद फिर 5 मिनट्स के लिए और पका लें, तो मस्त वाली सब्ज़ी बन जाएगी। एंड हाँ, इसमें नमक ऐड करने नहीं थे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा। एंड थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था मैंने, और बस कवर करके रख दिया था पकने के लिए। एंड जैसे कि मैंने बताया, आफ्टर 5 मिनट्स आप एक बार उसे मिक्स कर लें एंड अगेन 5 मिनट्स के लिए उसे पका लें,
तो मस्त बन जाएगी सब्जी। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती डाल दें। तो ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। और बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए कितनी मस्त सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी बनी थी। अब ट्राई करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।